आज सुबह 10 बजे ग्राम रामपुर बेहा थाना पट्टी से सूचना प्राप्त हुई थी कि कंचन जायसवाल पत्नी गंगा प्रसाद जायसवाल का शव उसके घर से 100 मीटर दूर तालाब के किनारे पड़ा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह मौके पर गए, शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मृतका का लड़का ध्रुव कुमार जायसवाल ने बताया है कि घर के आपसी बंटवारे को लेकर उसके बड़े पिता व उसके चाचा भागीरथ जायसवाल तथा जमुना प्रसाद जायसवाल द्वारा आए दिन लड़ाई झगड़ा किया जाता रहा है एवं उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। उन्हीं के विरुद्ध उसके द्वारा FIR पंजीकृत कराया गया है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं गहराई से निष्पक्ष विवेचना की जा रही है।